नमस्कार, बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार की राजनीति है और बिहार की राजनीति के विषय में कहा जाता है कि कब किशोर करवट ले ले, इसके बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। अब देखिए ना, बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी को ही ले लीजिए। नीतीश कुमार जी स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के वर्षी के उत्सव पर वहाँ जो उनका जो कार्यक्रम हुआ था वर्षी का, वहाँ पर जाने से परहेज करते हुए दिखे थे। इसके बाद चिराग पासवान जी जो कि लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने जो उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव भी लाया था, इस पर सब नेता लोजपा के समर्थन देते हुए दिखे थे चिराग पासवान जी का। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने भी नीतीश कुमार जी से बहुत सारी बातें कही थी और उन्होंने कहा था कि यहाँ जो है एक व्यवहारिकता की जो बात होती है उसमें कहीं ना कहीं कमी नजर आ रही है नीतीश कुमार जी में, और वे बिहार के मुखिया हैं तो ऐसे में उन्हें पहुंचना चाहिए था, क्योंकि रामविलास पासवान जी किसी एक दल के नेता नहीं थे बल्कि पूरे बिहार के नेता थे। उनका क्या कद है वो किसी के से छुपा हुआ नहीं था। ऐसे में अब आपको बता दें कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की पुण्यतिथि होनी है और 8 अक्टूबर को लोजपा पशुपति कुमार पारस जी के गुट के द्वारा पुण्यतिथि का कार्यक्रम निश्चित हुआ है और इसको लेकर के बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी तक भी पहुंचे थे। आमंत्रण लेकर के खुद पशुपति कुमार पारस जी जो कि लोजपा के कोटे से ही केंद्रीय मंत्री हैं वो पहुंचे थे, लेकिन साथ में ललन सिंह जी भी पहुंचे थे। इसके बाद चेहरे जो खिले हुए नजर आ रहे थे ये बताने के लिए काफी थे कि नीतीश कुमार जी क्या स्टैंड लेने जा रहे हैं। और इससे पहले एनडीए के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डॉक्टर संजय जायसवाल जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार के, उनका बयान आपको याद होगा कि किस प्रकार से उन्होंने लोजपा इज इक्वल टू पशुपति कुमार पारस जी कर दिया था। चिराग पासवान जी गुहार लगाते रहे थे, हनुमान बनने की कोशिश करते रहे थे, लेकिन बीजेपी तो कम से कम बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने इस बात को तो खारिज ही कर दिया था। लेकिन अब आपको बता दें कि जैसे ही पशुपति कुमार पारस जी वहां पहुंचे थे, बिहार के मुखिया नीतीश कुमार तक पहुंचे थे आमंत्रण पत्र लेकर के, इसके बाद लोजपा के जो चिराग पासवान जी का जो विंग है उसके नेता लगातार इस पूरे प्रकरण पर चुप्पी तोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि पशुपति कुमार पारस जी को उनका यानी कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का पुण्यतिथि मनाने का कोई अधिकार ही नहीं है। वो नीतीश कुमार जी जिनसे मिलने के लिए वर्षी कार्यक्रम के लिए चिराग पासवान जी ने समय मांगा था, वहां नहीं आकर के उन्होंने रामविलास पासवान जी को अपमानित करने का काम किया था, तो अब उनके पास आमंत्रण पत्र लेकर के जा करके वे क्या साबित करना चाहते हैं। आपको बता दें कि चिराग पासवान जी के जो पार्टी है उनके गुट का लोजपा का जो हम बात करें प्रधान महासचिव है संजय पासवान जी, उन्होंने इस पूरे प्रकरण पर चुप्पी तोड़ी है, बहुत सारी बातें कही है, लेकिन कटघरे में अपने ही चाचा हम बात कर रहे हैं जिनसे विवाद चल रहा है लोजपा में, चिराग पासवान जी का पशुपति कुमार पारस जी को कटघरे में ला करके खड़ा कर दिया है और सीधे तौर पे कह दिया है कि आपको पुण्यतिथि मनाने का अधिकार ही नहीं है। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं लोजपा चिराग विंग के जो लोजपा की जो प्रधान महासचिव है संजय पासवान जी, आइए देख लेते हैं उनका ये वीडियो। आज मैंने अखबार में देखा है कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का पुण्यतिथि मनाने के लिए पशुपति कुमार पारस जी नीतीश कुमार जी को और ललन सिंह को न्योता देने जा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ पशुपति कुमार पारस जी को स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का पुण्यतिथि मनाने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने राम जैसे भाई को धोखा दिया, समाज को धोखा दिया, बिहार के करोड़ों लोगों को धोखा दिया उन्होंने, और जिस नीतीश कुमार ने परिवार को तोड़ा, जिस नीतीश कुमार ने पार्टी को तोड़ा, और उनको आप न्योता देने जा रहे हैं। हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी स्वर्गीय रामविलास पासवान साहब की बरखी पर न्योता देने के लिए कई बार समय मांगा, उन्होंने दो पुष्प चढ़ाना भी मुनासिब नहीं समझा। वैसे व्यक्ति को आप न्योता देने जाते हैं, आपको आपको आपने तो राम जैसे भाई को धोखा दिया है, आपको पुण्यतिथि मनाने का कोई अधिकार नहीं है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाए। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।